उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को आखिरकार सरकार को रद्द करना ही पड़ा। पेपर लीक के सबूत होने के बाद भी यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पेपर लीक को नकार रहे थे। लखनऊ में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के बीच सरकार ने पेपर निरस्त का ऐलान किया है। बता दें कि डीजीपी ने मीडिया में बयान दिया था कि किसी के कहने पर पेपर निरस्त नहीं होंगे, सबूत हो तो दिखाएं। लेकिन सरकार को एहसास हो गया कि विभाग की तरफ से बड़ी चूक हुई है, इसलिए आज आनन-फानन में एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, परंतु अभी तक किसी बड़े अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया है जो इस परीक्षा को सुचितापूर्ण कराने में फेल रहे और लीक पेपर टेलीग्राम पर ऑनलाइन पेमेंट लेकर बेचा गया। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पर भी अभी कोई कार्रवाई